अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये गाड़ी ले आए हूँ आप लोगों के लिए, चेक करें जी। सुजुकी कल्टस रिस्टोर करने के लिए ये गाड़ी हमने सारी तैयार करनी है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी है और इसको जो है ना एक बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक देनी है। ये गाड़ी है, ठीक है, इसका कंप्लीट काम करना है। छत पिलर छोड़ कर नीचे नीचे से सारी गाड़ी पेंट होनी है। कुछ कुछ जगह पर इसमें जंग भी है, थोड़ी थोड़ी जगह से गली भी हुई है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्किप की तो फिर आपको पता नहीं चलेगा बीच में से कि कौन कौन से काम जो है ना वो इसके होने वाले हैं। तो ये देख लें, फ्रंट से आपको मैं दिखाता हूँ पहले। तो ये फ्रंट देखें गाड़ी का, बम्पर वगैरह इसके खोल दिए, टूटे हुए थे। बाकी ये ग्रिल भी, इसके यहाँ से क्रोम मिसिंग है, ठीक है, वो वाला भी ख़राब है। दूसरा इसका ये बोनट चेक करें, ये बोनट ना पहले पेंट हुआ हुआ है, तो ये कलर इसका बिल्कुल फेड हो चुका हुआ है, क्योंकि ये देसी कलर से किसी ने पेंट किया है। तो इसका ये देख लें अभी क्या हाल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम सारी गाड़ी को दोबारा से पेंट करेंगे अच्छी तरह से, और डेंटिंग इसकी हमने स्टार्ट कर दी है क्योंकि कल गाड़ी आई थी और आज इसका हमने जो है ना वो काम शुरू कर दिया है। ये देखें डेंटिंग इसकी, ये फेंडर की डेंटिंग हो गई है, यहाँ से भी देख लें ये सारी डेंटिंग हो गई है इसकी, ठीक है। और ये नीचे से ना यहाँ से इसका ये गला हुआ है, ठीक है, ये मगाड़ देख लें, नीचे से ये गला हुआ है, तो यहाँ से इसको कट करके नया पीस लगा देंगे। बाकी अंदर से भी देख लें वो भी गला हुआ है, तो उसको भी जो है ना मैं नया पीस लगाना पड़ेगा। और इसी तरह से जो है ना वो थोड़ी थोड़ी गली हुई है, तो जाहिर है पुरानी गाड़ी है तो छोटे मोटे काम जो वो फिर इनके होते ही हैं, गली होती है, तो उनको फिर रिपेयर करना पड़ता है वहाँ से ना। बाकी आपको दिखा देता हूँ, तो ये इसकी दूसरी साइड देखें, लेफ्ट साइड, ठीक है, ये भी फेंडर इसका सारा डेंटरों से भरा हुआ है, तो पहले भी ये ड्राई डेंट निकले हुए हैं यहाँ पर, आपको साइड से दिखाता हूँ, आपको नज़र आएँगे। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है इसकी, डेंट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, यहाँ से भी देख लेंगे अभी थोड़े थोड़े इनका जंग आया हुआ है। ये दरवाज़े के ऊपर भी बेतहाशा डेंट है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, इस जगह पे करके देखें जरा, ये देखें डेंट नज़र आए हैं। इसी तरह ये नीचे भी आपको डेंट यहाँ पर नज़र आएंगे इस जगह पर, ठीक है। और एक ये पिछला दरवाज़ा है इसका, इसकी भी डेंटिंग हो रही है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेंट है। अभी ये नीचे से डेंटिंग हो गई है, ये भी डेंटी लाइन फ्री हुई है इसके ऊपर। तो ये जब ब्लेड मारते हैं ना, तो ये ब्लेड मारने से ये होता है कि नज़र आ जाता है कि कहाँ किस किस जगह पे डेंट है और कौन सी जगह जो है वो ठीक है, ठीक है। अब ये ब्लेड मारेंगे सारा, तो ब्लेड मारने से ना इसका पता चल जाएगा किस किस जगह पे डेंट है, जहाँ जहाँ डेंट होंगे वो सारे डेंट उठा के तो इसकी सर्फेस जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। तो ये इसका जो है ना वो डेंटिंग का प्रोसेस होता है, आपको मैं समझा दिया थोड़ा सा। बाकी ये दरवाज़ा देख लें, ये इसका राइट साइड का फ्रंट दरवाज़ा है ड्राइविंग साइड का, और इसकी भी डेंटिंग हो गई है, तकरीबन सारी हो गई है इसकी डेंटिंग। ये इसके डेंट निकले हैं अभी, यहाँ पे डेंट थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे नीचे आगे, तो ये भी तकरीबन सारा डेंट हो गया। अभी पीछे से आपको दिखाता हूँ, तो ये जगह देखें जी, ये नीचे से पैनल लगा हुआ है, ये सारा अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर डेंट है और ये कॉर्नर इसका गला हुआ है, अंदर से भी गला हुआ है ये, ठीक है, इस जगह पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये गला हुआ है, और ये चीज़ें भी इसकी, ये गुलाई के ऊपर भी सारे से क्रैच हैं, और ये गली हुई है यहाँ, ये सॉरी इसके ऊपर डेंट है, यहाँ पे ये भी डेंट है, ये भी डेंट है, फिर एक ये डेंट है इसके ऊपर, यहाँ पर डेंट है, ये डेंट है, ये डेंट है, तो इस गाड़ी के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंट हैं। अभी बैक साइड पर आ जाएँ इसी तरह से, तो ये बैक साइड देख लें, डिग्गी इसकी, डिग्गी के ऊपर भी सारे ये डेंट हैं, ठीक है जी, एक दो तीन चार पाँच, सारे डिग्गी जो है ना वो डेंटों से भरी है। ये साइड से देखें, नज़र आए हैं डेंट, ये भी देखें, ये तो ये जब रिफ्लेक्शन होती है ना फिर पता चलता है डेंटों का, ये भी है, फिर यहाँ पे आगे भी आपको नज़र आएंगे नीचे चौथे चौथे। तो बम्पर वगैरह इसके जो है वो मेरे ख्याल से चेंज होंगे, और छत पिलर वगैरह ओरिजिनल कलर में रखना है, इनको नहीं छेड़ना क्योंकि ऊपर से ठीक है, तो नीचे से सिर्फ जो है ना वो पेंट होनी है। तो ये साइड देखें, अब ये देखें इस फेंडर के ऊपर कितने ज़्यादा स्क्रैचेज हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे ने जो है ना वो पेन के साथ या किसी नुकदार चीज़ के साथ जो है ना इसके ऊपर लाइन्स मारी हैं, तो ये भी सारा स्क्रैचेज वाला है। फिर यहाँ पर भी डेंट है, ये देखो, ये तो इसकी भी डेंटिंग हो गई है, दरवाज़ा है इसकी डेंटिंग हो गई है, और बाकी भी जो है ना एक ये भी थोड़ा सा गला हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको भी देख लेंगे। बाकी काफ़ी ज़्यादा डेंट है, तो वो इसके जो है ना
सारे डेंटिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर पेंट का काम शुरू कर देंगे, और साथ साथ जो है ना फिर इसकी ग्राउंड बनेगी, इसके ऊपर प्राइमर लगेगा। और जैसा भी ये गाड़ी का आपने देखा, इसका बोनट का कलर फेड हुआ हुआ है, तो जो गाड़ियाँ हमारे पास पेंट होती है ना उसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि हम ये वाला मटेरियल हल्का यूज़ ही नहीं करते, इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ करते हैं सारा, पेंट भी, फिर उसके ऊपर जो थिनर लैकर हार्डनर जो चीज़ें लगनी है सारी, तो सारा का सारा जो है ना वो इंपोर्टेड कलर होता है हमारा, लोकल नहीं हम यूज़ करते। और अगर कोई हमारे पास आ भी जाए ना, हमें कहेगा जी हमें थोड़े पैसों में कर दें, हल्का रंग लगा दें, हम फिर भी नहीं करके देते, हम कहते हैं नहीं हमारा एक मेयार है और हम उसी मेयार के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं, तो हमारे पास जो है वो हमेशा अच्छा काम होता है, तो इसीलिए जो है ना वो हमारे पास कस्टमर आते हैं दूर दूर से, दूसरे शहरों से हमारे पास कस्टमर इसी वजह से आते हैं, क्वालिटी लेने की वजह से, नहीं तो उनको और भी कई ज़्यादा कई वर्कशॉप में जो है अपनी मिल जाती हैं रास्ते में उन्हें नज़दीक, लेकिन वो उनको प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी वर्क नहीं होता। हमारे पास आने की वजह यही होती है लोगों की कि यहाँ पर जो है ना वो क्वालिटी वर्क किया जाता है। अब ये देख रहे हैं, अब ये सारी खोल दी है इन्होंने, एक एक करके सारे दरवाज़ों की डेंटिंग हो जाएगी, फिर इनको फिट करेंगे, फिर ये फेंडर की डेंटिंग होगी और बाकी सामान सारा फिट होगा और इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ मैं आपको इसका दिखाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो फौरन जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और हमारी वर्कशॉप जेल रोड लाहौर में है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम किए जाते हैं गाड़ियों के, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब गाड़ियों का मैकेनिकल काम करते हैं, इंजन ओवरहॉलिंग, सस्पेंशन ओवरहॉलिंग और टोटल जितने भी काम है ना वो भी करते हैं, पावर सेटिंग भी कर देते हैं गाड़ी को। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, और अगर अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक को फॉलो नहीं किया हुआ तो फ़ौरन जाएँ और फॉलो कर लें, कोई क्वेश्चन आपके तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।